हेलो दोस्तों, गोल्डन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों जून 2018 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आज हम करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक शेर जंग द वॉरियर सन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जो दोस्तों शक्ति एस चंदेल हैं, वो इसके लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच राजस्थान परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध को सुदृढ़ बनाने हेतु कितनी राशि के RBIDF फंड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? जो दोस्तों 21.7 मिलियन डॉलर है दोस्तों, उस पे ये हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे TK रामनाथ पुरस्कार प्रदान किया गया है? जो दोस्तों हमारे प्रजनेश गुणेश्वरन है दोस्तों, उनको दोस्तों 3 लाख रुपए का प्राइज प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार द्वारा सभी अभी तक ई वीजा योजना से राजस्व के रूप में कितनी राशि अर्जित की गई है? जो दोस्तों 1400 करोड़ रुपए है ये अर्जित हुई है दोस्तों। जो दोस्तों ई वीजा की शुरुआत दोस्तों वो 2014 में हुई थी। जो ये इसका दोस्तों जो फॉरनर होते हैं दोस्तों, जो दूसरे देशों से हमारे देश में पर्यटन के लिए आते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए होती है दोस्तों। उनके लिए 2 माह तक यहाँ रहने के लिए जो फैसिलिटी दी जाती है दोस्तों, उसे इसके तहत लिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार दो राज्य में प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पहले 48 घंटे के पूर्व 50,000 रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान कर किए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? जो दोस्तों गुजरात सरकार है, उसने ये घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमित खेर ने किस मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? जो दोस्तों हमारा सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय है दोस्तों, इसका भार संभाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हॉट कुक्ड फूड योजना को पुनः शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। जो इसमें विकल्प दोस्तों वो कौन सा तथ्य सही नहीं है? जो दोस्तों यह योजना को अब बेसिक स्कूलों में वितरित किए जाने वाले मिड डे मील के लिए साथ के साथ जोड़ा जाएगा, ये भी ठीक है दोस्तों। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल की आयु के लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या 38.11 लाख है, ये दोस्तों गलत उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री को बंद करने की कार्रवाई किस अधिनियम के तहत की गई है? जो दोस्तों हमारा ये अधिनियम है दोस्तों वो है, सॉरी दोस्तों, जल अधिनियम 1974 की धारा 58(b) के तहत है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संपन्न महिला की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2018 का खिताब जो किसने जीता है? जो दोस्तों जापान है, उसने ये जीता है दोस्तों। जो ये उबेर कप था दोस्तों, ये दोस्तों आयोजित हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। यह स्थाई इसका जो 27वां संस्करण था दोस्तों। जो थॉमस कप के विजेता थे दोस्तों वो चीन थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अनकहा लखनऊ के लेखक कौन है? जो दोस्तों लाला जी टंटन है, ये इसके लेखक है। जो इनका जो विमोचन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ने किया है दोस्तों।
इसमें दोस्तों भारत के बारे जो हमारी इनके बारे में लिखा होगा दोस्तों। जो 11वां क्वेश्चन दोस्तों, चौथा स्मार्ट सिटी इंडिया 2018 एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? जो दोस्तों नई दिल्ली है दोस्तों, वहाँ पर ये प्रतियोगिता मैदान में जो आयोजित किया गया दोस्तों, इसमें 300 से आधा अधिक देशों ने दोस्तों जो पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय गृहिणी सुविधा योजना के विषय में विकल्प में कौन सा तथ्य सत्य है? जो दोस्तों ए है ऑप्शन, 24 मई 2018 को संपन्न हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया था। ये भी ठीक है दोस्तों, योजनागत राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित उज्ज्वला योजना से छूटे घरों को एलपीजी गैस कनेक्शन या चूल्हे के लिए प्रतिभूति राशि प्रदान की करेगी। ये भी ठीक है दोस्तों, जो यह योजना राज्य में महिला सशक्तिकरण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु शुरू की जाएगी। ये भी सही है दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों वो उपरोक्त सभी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संपन्न शूटिंग प्रतियोगिता म्यूनिख बैंड ग्रैंड पिक्स 2018 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? जो दोस्तों तेजस्विनी सावंत है दोस्तों, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और रूस के बीच जो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन है दोस्तों, वो कहाँ संपन्न हुआ है? ये दोस्तों सोची है दोस्तों, जो रूस में ही है वहाँ पे संपन्न हुआ। भारत की तरफ से दोस्तों नरेंद्र मोदी जी और रूस की तरफ से दोस्तों पुतिन ने इसमें इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है? जो दोस्तों 9% की वृद्धि है दोस्तों, ये हम जो नीति आयोग है इसने जो संभव की है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से सम्मानित किया दोस्तों? जो दोस्तों ये आशा भोसले जी है, इनको सम्मानित किया हम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में 5 से अधिक छात्राओं को शैक्षणिक संस्थाओं से लोन लाने वाले जाने के लिए छात्रा परिवहन योजना शुरू की जाएगी? जो हरियाणा है दोस्तों, उसने ये योजना शुरू की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचनांक 2018 में किस देश का शिखर साधना जो शीर्ष स्थान है, जो प्रथम स्थान है, वो किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? जो दोस्तों आइसलैंड है उसको पहला स्थान दोस्तों, और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड को दोस्तों, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया को, और जो भारत का था रैंक है दोस्तों वो 136 है दोस्तों, और पिछले साल भारत का रैंक था दोस्तों वो 137वां था दोस्तों। जो यह सर्वे हुआ दोस्तों 2018 में, ये टोटल 163 जो 163 देशों का हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2018 के 13वां भारत जो नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? जो दोस्तों पिथौरागढ़ है दोस्तों, वहाँ पे ये आयोजित किया गया था दोस्तों। पिथौरागढ़ दोस्तों नेपाल में है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 और 9 जून 2018 के मध्य G7 राष्ट्रों का 44वां जो शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? जो दोस्तों चार्लेवोइक्स क्यूबेक सिटी है दोस्तों, जो कनाडा में है दोस्तों, वहाँ पे ये जो सम्मेलन है ये संपन्न हुआ दोस्तों। जो 43वां सम्मेलन था दोस्तों वो इटली में, और दोस्तों जो अगले साल 2019 में होने वाला दोस्तों 45वां, वो दोस्तों फ्रांस में होगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग द्वारा विकसित समग्र जल प्रबंधन सूचनांक में किस राज्य को सबसे निचला जो स्थान है दोस्तों वो प्राप्त हुआ है? जो दोस्तों झारखंड है उसको सबसे निचला स्थान जो प्राप्त हुआ दोस्तों, जो जो जल संसाधन मंत्री है दोस्तों हमारे नितिन गडकरी, उसने ये सर्वे किया था दोस्तों। ये दो कैटेगरियों में जो विभाजित था, एक थे जो हिमालय वाले राज्य है दोस्तों, जो हिमालय से संबंधित है दोस्तों, और एक गैर हिमालयी थे उनसे संबंधित है दोस्तों। जो दोस्तों गैर हिमालयी था दोस्तों उसमें पहले नंबर गुजरात का, दूसरा एमपी का और तीसरा आंध्र प्रदेश का दोस्तों। और जो दोस्तों हिमालय थे राज्य से दोस्तों उसमें त्रिपुरा का जो दोस्तों पहला नंबर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो दोस्तों पहला है ऑप्शन है दोस्तों, विधेयक को ने बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रबंधन है दोस्तों, ये भी ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, विधेयक में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्रबंधन के गठन का प्रबंधन करना, ये भी ठीक है दोस्तों। जो विधेयक में ये दोस्तों जो ये सभी है दोस्तों, ये इसका ठीक उत्तर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संपन्न फेमिना मिस जो इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? जो अनुकृत वास है दोस्तों उसने ये पहला जो मिस इंडिया खिताब है दोस्तों वो जीता है। जो दोस्तों हरियाणा की मीनाक्षी है दोस्तों वो इसमें सेकंड नंबर पे आई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित है दोस्तों ने कई एशिया पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? जो दोस्तों इसका बी ऑप्शन है डॉक्टरी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है दोस्तों, उसको ये पुरस्कार मिला है। ये दोस्तों बेस्ट वर्कर के जो बेस्ट जो सोशल वर्कर है उनके लिए पुरस्कार होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल को भारतीय डाक विभाग और किसके बीच संयुक्त डाक टिकट जारी करने के संबंध में हुए समझौते के विषय में जानकारी प्रदान की गई है? जो दोस्तों रशिया पोर्ट है दोस्तों उससे ये जो जानकारी है ये समझौता जो आपस में मिलाई गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के टॉमी थॉमस किस देश के अटॉर्नी जनरल जो नियुक्त किए गए हैं? ये मलेशिया दोस्तों इनके जो अटॉर्नी जनरल हैं ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 2018 को अधिनियमित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? जो दोस्तों आयोग के पास सिविल कोर्ट और दीवानी कोर्ट की शक्तियां होगी, ये दोस्तों विकल्प गलत है, बाकी सारे विकल्प दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी भारत के पहले आपदा जोखिम सूचनांक में कौन सा राज्य शिखर पर है? जो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य है दोस्तों, ये हादसों के हिसाब से शिखर पर है दोस्तों। जो गृह मंत्रालय है दोस्तों ने उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की थी दोस्तों, जो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है दोस्तों, दूसरे नंबर पर दोस्तों पश्चिम बंगाल है और तीसरे नंबर पर दोस्तों यूपी है, जिसमें सबसे ज्यादा आपदा जोखिम सूचना है दोस्तों अधिकतम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा अटल भूजल योजना राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम हेतु IBRD ऋण के को मंजूरी प्रदान की गई है, इस संबंध में जो तर्क तथ्य दोस्तों वो सही नहीं है। जो दोस्तों इसमें जो तथ्य है दोस्तों कि ऋण राशि की जो अनुग्रह अवधि है दोस्तों 5 वर्ष है, ये तथ्य गलत है। बाकी जितने भी तथ्य है दोस्तों विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने योजना हेतु 450 मिलियन अमरीकी डॉलर के
IBRD ऋण के लिए मंजूरी दी। ये भी ठीक है दोस्तों, यह योजना जल संसाधन नदी नदी विकास में गंगा संरक्षण जो मंत्रालय है द्वारा आयोजित है, ये भी ठीक है दोस्तों। इसमें जो 6,000 करोड़ की लागत आएगी, ये भी ठीक है दोस्तों। जो ऋण राशि की अनुग्रह अवधि जो 5 वर्ष है, ये इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश में पहला राज्य कौन सा जिसमें अपना आधिकारिक हेलीकॉप्टर आम लोगों के आवागमन के लिए जो प्रदान किया गया दोस्तों। जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, ये है वो राज्य जिसने आम आदमी के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान किया है दोस्तों। जो दोस्तों इसमें प्रति व्यक्ति जो खर्चा है दोस्तों वो 3,000 रुपये होगा, जो इसमें जो आम आदमी है उसको यूज कर पाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री जो सुरेश प्रभु ने मोबाइल ऐप रिनोनाइट लॉन्च किया है दोस्तों, यह ऐप किस में सहायता करेगी? जो दोस्तों खोए हुए बच्चे हैं उनको पता लगाने में इस ऐप के जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे किसे वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित विश्व जो खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों। जो दोस्तों जो डॉक्टर जो सी ऑप्शन है दोस्तों, ना डी ऑप्शन है दोस्तों, सॉरी डी ऑप्शन है दोस्तों, डॉक्टर लॉरेंस हेडार्ड एवं डेविस जो डेविड नोबेरो है दोस्तों, वो इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 29 जून 2018 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम जो मंत्रालय द्वारा देश भर में 12वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था दोस्तों? जो दोस्तों इसका मुख्य विषय दोस्तों आधिकारिक सांख्यिकी में गुणवत्ता, जो ये सी ऑप्शन है दोस्तों, ये इसका आंसर ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन दोस्तों, ना 19वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा 2018 के पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो प्रदान किया दोस्तों? जो तुम्हारी सल्लू है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है दोस्तों वो इरफान खान को बना जो अवार्ड है वो मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा अरावली एक्सप्रेस का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? जो दोस्तों बी ऑप्शन है अमरापुर, जो अरावली एक्सप्रेस है उसका नाम बदल ना रखा गया दोस्तों। और दोस्तों ये जयपुर से चलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओडिशा सरकार द्वारा कार्यकारी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, इस योजना के संबंधित विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? जो दोस्तों सी ऑप्शन है दोस्तों, जो योजनागत प्रथम चरण में 32-33 कार्यरत पत्रकारों को 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का जो लाभ है वो प्रदान किया जाएगा दोस्तों। ये जो इसमें 1.5 लाख है दोस्तों, इसकी जगह दोस्तों 2 लाख रुपए का लाभ प्रदान करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया दोस्तों, ये इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? जो दोस्तों 20 जून है इसको विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एचओएनएम NEC द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार कौन ई कचरा पैदा करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल नहीं है? जो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम है ये शामिल नहीं है, बाकी दोस्तों ये भारत, अमेरिका, चीन, जापान जो ये है दोस्तों, ये शीर्ष 5 में शामिल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विकसित 800 मोबाइल ऐप जो संबंधित है दोस्तों, वो है दोस्तों अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए है दोस्तों, ये जो ऐप है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहे, और इनको शेयर भी करो दोस्तों ताकि और भी जो दोस्त हैं आपके जो उनको बेनिफिट मिल सके हमारी वीडियो का, क्योंकि हम हर रोज करंट अफेयर के जो लेटेस्ट है अपडेट करते रहते हैं दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल।